जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए व्लॉग में। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी कालका रेलवे स्टेशन पर और आज हम ट्रेवल करने वाले हैं कालका और शिमला के बीच चलने वाली खूबसूरत सी टॉय ट्रेन में। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों उसमें मैं आपको कालका और शिमला का खूबसूरत सा रूट दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कालका और शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन की, जैसे कि कालका और शिमला के बीच टोटल कितनी टॉय ट्रेन चलती है, क्या क्या इन टॉय ट्रेन की टाइमिंग है, इन टॉय ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो और क्या इन टॉय ट्रेन की टिकट का प्राइस रहने वाला है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के इस व्लॉग को। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपनी आज की टॉय ट्रेन की जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आज की अपनी टॉय ट्रेन होने वाली है ट्रेन नंबर 52453 कालका शिमला एक्सप्रेस। ये जो टॉय ट्रेन है सुबह के 6:20 पर निकलती है कालका रेलवे स्टेशन से और खूबसूरत से कर्व्स, ब्रिजेस और टनल्स को क्रॉस करते हुए 11:50 पर आपको पहुंचाती है ये शिमला रेलवे स्टेशन पर। ऐसे दोस्तों कालका से शिमला के बीच टोटल 6 टॉय ट्रेन चलती है जो कि सुबह के 3:30 से लेकर दोपहर के 12:00 तक चलती है, जिसमें पहली जो टॉय ट्रेन है सुबह के 3:30, दूसरी 5:20 पर, तीसरी 5:45 पर, चौथी जो ट्रेन है 6:20 पर निकलती है जिसमें कि आज हम ट्रेवल करने वाले हैं, पांचवी जो टॉय ट्रेन है वो निकलती है दोस्तों सुबह के 7:00, छठी और आखिरी जो टॉय ट्रेन है दोस्तों वो निकलती है दोपहर के 12:10 पर। और अभी जो है विंटर सीजन ऑन है तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टॉय ट्रेन चलाई जा रही है जो कि दोपहर के 1:00 कालका रेलवे स्टेशन से निकलती है। और ये जो स्पेशल टॉय ट्रेन है 1:00 चलने वाली, इसकी जो टिकट है आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, इसकी जो टिकट है आपको कालका रेलवे स्टेशन से ही मिलने वाली है। और दोस्तों बाकी की जितनी भी टॉय ट्रेन है उनकी जो टिकट्स है आप IRCTC की ऐप से बुक कर सकते हो, जिनके फेयर की डिटेल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जहाँ से आप सभी की सभी टॉय ट्रेन के फेयर जो है वो चेक कर सकते हो। वैसे दोस्तों जैसे हम कालका रेलवे स्टेशन पहुंचे ना, तो कालका रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमें एक बैड न्यूज मिली और वो बैड न्यूज ये थी कि आज सभी की सभी टॉय ट्रेन जो है ना वो 2 से 2.5 घंटे के डिले के साथ चलेगी। इसका रीजन जो था, रीजन ये था कि हावड़ा से जो ट्रेन आती है कालका के लिए नेताजी एक्सप्रेस, वो ट्रेन जो थी 3 घंटे के डिले के साथ आज कालका आई। घंटे के डिले के बाद जो है ना अपनी टॉय ट्रेन रवाना हो चुकी है कालका से शिमला के लिए। तो कर्व देखो दोस्तों, अभी कालका रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको कितना खूबसूरत सा कर्व दिखेगा इस टॉय ट्रेन का। और भाई बहुत मज़ा आने वाला है इस रूट पर। तो जितने भी लोग अभी चैनल पर नए हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।
सत्तर खूबसूरत से ब्रिजेस जो है वो बनाए गए हैं, जो कि शो को और भी खूबसूरत सा बनाता है। वैसे दोस्तों, कालका और शिमला के खूबसूरत से रूट पर ना आपको 900 से भी ज़्यादा खूबसूरत से कर्व्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनका अनुभव आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। कालका शिमला के 96 किलोमीटर के इस खूबसूरत से रूट को ना बनाने का जो कार्य था वो शुरू किया गया था 1896 में, और 9 नवंबर 1903 को जो है कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों, कालका शिमला के इस खूबसूरत से रूट पर ना टोटल 18 स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। तो 31 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है हम पहुंच चुके हैं अभी ट्रेन के पहले हॉल्ट पर, जो कि है धर्मपुर हिमाचल रेलवे स्टेशन। यहां पर जो है अपनी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। तो छोटा सा ये स्टेशन है, मैं आपको दूसरी साइड से स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है ये दोस्तों, कितना खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है। और अपनी टॉय ट्रेन जो है वो लगी हुई है आगे, व्यू देखो। ये है दोस्तों धर्मपुर हिमाचल रेलवे स्टेशन का व्यू। तो दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद जो है धर्मपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और धर्मपुर में जो है ये छोटा सा आउटलेट मिल जाएगा जहाँ पर आपको मैगी वगैरह चाय वगैरह जो है मिल जाएगी। तो 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो अपनी टॉय ट्रेन पहुंच चुकी है ट्रेन के सेकंड हॉल्ट पर, जो कि है कुमारहट्टी रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है सिर्फ 1 मिनट के लिए।
तो दोस्तों हाँ। सबसे लॉन्गेस्ट टनल को क्रॉस करने के बाद ना हम पहुंच चुके हैं बड़ोक। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो टॉय ट्रेन है वो पहुंच चुकी है ट्रेन के तीसरे हॉल्ट पर, जो कि है बड़ोक रेलवे स्टेशन। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कालका शिमला टॉय ट्रेन का जो रूट है उस पे जितने भी टनल्स है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट टनल जो है ना वो भी बड़ोक रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो वह है बड़ोक टनल, जिसे कि टनल नंबर 33 के नाम से भी जाना जाता है। इस टनल का मैं छोटा सा आपको इतिहास बता देता हूँ कि जब इस टनल को बनाया जा रहा था ना, तो इसको बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक को। तो लॉन्गेस्ट टनल होने की वजह से कर्नल बड़ोक ने जो है इस टनल को जो है दोनों तरफ से खोदने का काम जो है वो शुरू करवाया। बट बाद में क्या हुआ कि टनल के आपसी सिरे जो है वो आपस में मिल नहीं पाए, तो इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कर्नल बड़ोक पर 1 रुपये का फाइन जो है वो लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अपनी इस बेइज्जती को जो है कर्नल बड़ोक सहन नहीं कर पाए और उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। उसके बाद से ही जो है इस जगह का नाम और इस टनल का नाम बड़ोक रख दिया गया। तो 8 मिनट रुकने के बाद जो अपनी ट्रेन निकल चुकी है बड़ोक रेलवे स्टेशन से, और बड़ोक रेलवे स्टेशन पर भी आपको खाने पीने के लिए चीज़ें जो है ईजिली मिल जाएगी। यहाँ से आप बर्गर वगैरह जो है वो ले सकते हो, पता नहीं। और एक और कर्व देखो, खूबसूरत सा कर्व है ये बड़ोक रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद, छोटा सा कर्व है बट खूबसूरत सा नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटीरियर था अपनी कालका शिमला टॉय ट्रेन के विस्टाडम कोच का। कोच के दोनों तरफ जो है एसी लगे हुए थे, हालांकि वो चल नहीं रहे थे, शायद इनकी ज़रूरत जो है वो गर्मियों में पड़ने वाली थी। और सीटिंग अरेंजमेंट जो था वो था 2x2 का, और खुली खिड़कियाँ थी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ग्लास था जो कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। इसका लुत्फ जो है वो आप उठा सकते हो स्नोफॉल के टाइम पर। व्यू देखो दोस्तों कितना खूबसूरत सा व्यू, नीचे सड़क ऊपर जो है अपनी टॉय ट्रेन चल रही है, वाओ अमेजिंग व्यू। फोर्टी फोर किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी जो टॉय ट्रेन है वो पहुंच चुकी है सोलन रेलवे स्टेशन पर। और सोलन जो है फेमस है अपनी मशरूम की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर जो मशरूम की प्रोडक्शन है काफ़ी हाई पैमाने पर की जाती है। और बात करें इस जगह की, तो इस जगह का नाम जो है माँ शूलिनी के नाम पर सोलन रखा गया है। अभी जो है आप डिपार्चर इंजॉय करिए अपनी टॉय ट्रेन का सोलन रेलवे स्टेशन से एक और खूबसूरत से कर्व व्यू के साथ।
दोस्तों 12:35 पर अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कंडा घाट रेलवे स्टेशन। और कंडा घाट वही जगह है जहां से फेमस टूरिस्ट प्लेस पहल जाने के लिए जो सड़क है वो मुड़ती है। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो टॉय ट्रेन है वो पहुंच चुकी है शोगी रेलवे स्टेशन और यहां पर इस ट्रेन का 1 मिनट का ही स्टॉप था। ये है दोस्तों रेल मोटर कार जो कि शिमला से वापसी जा रही है और शोगी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर देखिए कितना खूबसूरत सा डिपार्चर है ये। तो 1:55 पर अपनी जो टॉय ट्रेन है वो पहुंच चुकी है तारा देवी रेलवे स्टेशन। यहाँ पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध तारा देवी का टेंपल भी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और इस रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का जो है 1 मिनट का ही हॉल्ट है। तो दोस्तों लगभग 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है अपनी टॉय ट्रेन पहुंच चुकी है क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि शिमला रेलवे स्टेशन और यहां पर अपनी जो टॉय ट्रेन है वो 3 घंटे की डिले के साथ पहुंची है। बात की जाए जर्नी एक्सपीरियंस की तो रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज इतने अच्छे कर्व्स टनल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे तो आपकी जर्नी तो बेहतरीन होने ही वाली है। वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।